आप सभी, चलिए शुरुआत करते हैं। भाई हमने न्यू इकोनॉमी पॉलिसीज के तीन मेन जो हेड हैं उसको हमने पढ़ लिया था, मतलब उसकी समरी देख ली थी हमने पिछले क्लास में। अब वो तीनों मेन हेड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर मैं सारे टॉपिक एक साथ करा दूँ, मतलब लिबरलाइजेशन के अंदर जितने पॉइंट्स हैं मैं सारा एक साथ करा दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको पहले बता दूंगा कि लिबरलाइजेशन को हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, अभी फर्स्ट पार्ट और उसके बाद सेकेंड पार्ट एक और वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? चलिए तो लिबरलाइजेशन को शुरुआत करते हैं। भैया लिबरलाइजेशन है क्या, कैसे होता है, मैंने उसको एक समरी दी थी पहले। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब है कि भैया अब अपने पब्लिक सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर्स की ग्रोथ में और जो एंट्री में रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी उस रिस्ट्रिक्शन की पॉलिसीज को आपने बदल दी, आपने मतलब गवर्नमेंट ने बदल दी है। मतलब गवर्नमेंट अब चाहती थी कि भैया ये जो जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं सभी सेक्टर्स की, उनको अब ग्रोथ किया जाए, उनको एंट्री भी और ग्रोथ में कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। लेकिन सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी कि क्या? नहीं, सारी रिस्ट्रिक्शन हटाई नहीं थी, बस रिस्ट्रिक्शन की पॉलिसी को बदल दिया गया था। वो कौन कौन सी पॉलिसीज थी वो समझेंगे, ठीक है? तो लिबरलाइजेशन के बारे में कुछ पिक्चराइज आप देख सकते हो, सब कुछ उसी को डिनोट करता है सब कुछ, कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन आ जाए, सब कुछ। तो लिबरलाइजेशन, अभी हम शुरुआत करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन में बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक बार में क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके दो पार्ट्स लॉन्च करेंगे, एक ये फर्स्ट पार्ट और इसके नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट होगा लिबरलाइजेशन का, ठीक है? चलो भाई, तो मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि एंट्री में और ग्रोथ में, मतलब कोई इंडस्ट्री आना चाहती है या फिर कोई एग्जिटिंग इंडस्ट्री ग्रोथ करना चाहती है, उस पर जो आपने पहले से रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी उस रिस्ट्रिक्शन को अब आप क्या करोगे, रिमूव कर रहे हो ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे जितनी भी एंट्री और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था उसे आपने रिमूव कर दिया है, उसे आपने हटा दिया है, अब कुछ नई पॉलिसीज क्रिएट करी हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। क्लियर? अब देखिए लिबरलाइजेशन के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, उसके डीपली पढ़ेंगे हम इसके। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक बार फिर से, द इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म गवर्नमेंट लेके आई थी लिबरलाइजेशन के अंदर, उसके अंदर कुछ इस तरह पॉइंट्स हैं। क्या? पहले, सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन पहले चल रहे थे उसमें बदलाव, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कौन कौन से बदलाव किए गए, ये भी लिबरलाइजेशन का एक पार्ट ही है, ठीक है? और ये सारे मैं जो पॉइंट दिखा रहा हूं ना आपको, ये सारे पॉइंट के खुद के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक करके, ठीक है? अभी मैं आपको ऊपर पर से बता रहा हूं कि ये सब हो क्या है क्या। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर होने वाले रिफॉर्म, ठीक है? चलिए उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। भैया फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी बदलाव लाया गया। फाइनेंस सेक्टर क्या होता है? फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सारे बैंक, कमर्शियल बैंक, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सारे इंस्टीट्यूशन जो जो पैसों का लेन देन करते हैं, उन सभी को लेकर भी जो कुछ बदलाव लेके गवर्नमेंट आई। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म मतलब फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर भी कुछ बदलाव किए गए। कैसे? भैया 1991 से पहले तो प्राइवेट बैंक होते नहीं थे, सिर्फ पब्लिक बैंक होते थे, मतलब सरकारी बैंक होते थे। तो भाई प्राइवेटाइजेशन को आगे ग्रोथ करने के लिए, प्राइवेट बैंक को लाने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस सेक्टर में एक चीज लॉन्च किया था, यही बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि भैया अब तो प्राइवेट बैंक भी खुलेंगे। तो ये रिफॉर्म ही तो है, ये बदलाव ही तो है, किसके अंदर आएगा? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर। वो आगे हम सारे डिस्कस करेंगे, अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इंडस्ट्रीज को लेकर रिफॉर्म हुआ, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर्स को लेकर रिफॉर्म हुए, बदलाव आए, तीसरा टैक्सेस को लेकर, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, उसको लेकर भी कुछ चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म। और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, मतलब जो हमारा बाहर की करेंसी का जो लेन देन है, बाहर की करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है, उसको लेकर भी गवर्नमेंट ने कुछ, उसमें भी कुछ पॉलिसीज को बदल दिया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, क्योंकि भाई ये भी बहुत जरूरी था कि आपको पता हो कि 1991 से पहले 1990 में जब देश में बड़ी क्राइसिस आई थी, तो उस टाइम पे सिर्फ एक दो हफ्ते का पैसा बचा था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के नाम पर, कि हम बाहर से क्रूड ऑयल वगैरह और टैक्स इंटरेस्ट पे दे सकें। तो ये जरूरी हो गया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म भी करना था, मतलब इसको लेकर भी अपनी पॉलिसीज को बदलना था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ठीक है। और लास्ट क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म ये क्या है?
भाई ट्रेड का मतलब बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगाना, ठीक है। देखो अगर किसी को हमारे यहाँ के किसी को बाहर जाके बिजनेस करना हो, हमारे यहाँ किसी के पर्सन को बाहर जाके इन्वेस्ट करना हो, बाहर के इन्वेस्टर यहाँ पे अगर बिजनेस करना चाहते हैं, बाहर के इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें उससे जुड़ी हुई पॉलिसीज को गवर्नमेंट ने बदल दिया, ठीक है। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रीज को लेकर सारे पॉलिसी बदले गए, फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर्स के रिफॉर्म मतलब पॉलिसी बदल दिया गया, टैक्स में टैक्स रिलेटेड डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो उसको रिलेटेड सारी पॉलिसी बदल दी गई, फॉरन एक्सचेंज रिफॉर्म में बाहर की करेंसी से रिलेटेड कोई अगर पॉलिसी पहले से है उसको भी बदला गया, और अगर हम बाहर बिजनेस करना चाहते हैं, हम बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाहर के लोग हमारे यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें भी पॉलिसीज को गवर्नमेंट ने बदल दिया। ये सारे पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये पांचों टॉपिक एक साथ तो आ नहीं सकते, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं आपको टैक्स रिफॉर्म तो टैक्स रिफॉर्म तक अभी कर लेंगे क्लियर, और बाकी फोर्थ और फिफ्थ जो है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत सोचता हूँ ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, फिर आप बोर हो जाओगे ना। चलिए, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म मतलब इंडस्ट्रीज को लेकर कौन कौन सी गवर्नमेंट बदलाव करती है, और काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पढ़ते हैं, करके पॉइंट पढ़ते हैं। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, आपको याद होगा मैंने आईपीआर में सेकंड चैप्टर आईपीआर हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1950 to 1990, उसमें आईपीआर बताया था, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, उसमें एक बात की गई थी कि अब सभी कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे अपना बिजनेस ग्रोथ करना हो, चाहे अपना बिजनेस ओपन करना हो, चाहे अपने बिजनेस के प्रोडक्शन में बदलाव लाना हो, सबको लाइसेंस सिस्टम लागू करना ही पड़ेगा, मतलब लाइसेंस सिस्टम से ही आप क्वेश्चन कर मतलब प्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अब वो लाइसेंस सिस्टम क्या कर दिया गया, रिडक्शन करा, हटाया नहीं, गवर्नमेंट ने लाइसेंस सिस्टम हटाया नहीं पूरी तरह से, बस क्या कर दिया, रिडक्शन का मतलब कि अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको अभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है, मतलब सभी गुड्स में लाइसेंस, सभी सर्विस में लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विस हैं जिस पे आपको लाइसेंस अभी भी लेना पड़ता है। इसका मतलब लाइसेंस सिस्टम गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को लेकर हटाया नहीं, सिर्फ कम कर दिया, ठीक है। लिखा भी है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ओबलाइज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ठीक है, जुलाई 1991 में, तो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम था उसे हटाया गया सभी प्रोजेक्ट्स वर्क से, लेकिन एक्सेप्ट फ्रॉम शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर, जैसे लाइक लिक्विड, मतलब अगर आप अल्कोहलिक चीज प्रोड्यूस करते हो तो उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, डिफेंस इक्विपमेंट, अगर आप डिफेंस को लेकर के कोई इक्विपमेंट बनाते हो, गोला बारूद या फिर हथियार वगैरह बनाते हो तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव मतलब अगर आप पटाखे वगैरह बनाते हो या फिर अगर आप केमिकल चीजें कुछ प्रोड्यूस करते हो, अगर आप दवाइयां प्रोड्यूस करते हो तो आप अब भी आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्रीज के अंदर बदलाव, पहला बदलाव क्या था कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लाइसेंस को रिडक्शन कर दिया, हटाया नहीं पूरी तरह से, कम कर दिया कि अब आपको सभी में लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आपसे रजिस्ट्रेशन कराओ, काम शुरू करो, लेकिन अगर आप ये तीनों चार चीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको अभी भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, बदल दी ना गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इंडस्ट्रीज के अंदर। हाँ, तो ये एक पॉइंट नहीं है, आइए और पढ़ते हैं। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने अपना पब्लिक सेक्टर जो है मतलब गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडस्ट्रीज आती थी, आपको याद होगा आईपीआर के अंदर पहली पॉलिसीज क्या थी 1956 में बताया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर 1950-1990 के टॉपिक के अंदर था वो, कि आईपीआर में गवर्नमेंट ने सभी इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर दिया था, शेड्यूल ए के अंदर गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में रखा था, शेड्यूल बी में ऐसी इंडस्ट्री जो काम कौन करेगी, प्राइवेट कंपनी, पर उसका प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी होगा, क्या प्राइस होगा, उसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और बाकी बच्चे को शेड्यूल सी में डाल दिया। तो याद करो शेड्यूल ए में गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में कर रखा था। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, 1991 के बाद गवर्नमेंट ने उस 17 इंडस्ट्री से अपना हाथ पीछे कर लिया कि भैया नहीं, अब इस इंडस्ट्री में हम तो रहेंगे, साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी हम इंक्लूड करते हैं। टू डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का रोल उन्होंने कम कर दिया, गवर्नमेंट ने कम कर दिया। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स वाज द सब्सटेंसिव रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के काफी रोल कम कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इन द फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, जो
अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं, गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, लेकिन 17 से किस पे आ गए हैं वो, इतने 3 पर आ गए हैं, रिड्यूस फ्रॉम 17 टू 3 इंडस्ट्रीज ओनली। वो 3 इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं? डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे। इंडियन रेलवे भी गवर्नमेंट के अंदर आता है ना, तो ये तीन चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में अभी भी आती हैं, लेकिन 17 में 3 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा, बाकी 14 इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी मतलब बोल दिया कि आप इसमें काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट 1991 से पहले सिर्फ किसका था? गवर्नमेंट का था, एयर इंडिया नाम से, लेकिन 1991 के बाद सारी प्राइवेट कंपनी आ गई है ना, शिपिंग इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट, बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी कि उसमें अब प्राइवेट कंपनीज भी आना शुरू कर दिया था। क्लियर, डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, नई पॉलिसी में क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कि गवर्नमेंट ने अपना पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर लिया, 17 इंडस्ट्री से 3 इंडस्ट्री पे आ गए। ठीक है, पता है इसे प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, चलो बताऊंगा बाद में। थर्ड, MRTP, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। अब ये क्या है भाई, उस टाइम पे ना ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो लाइसेंस प्रोवाइड करती थी किसको, एंटरप्रेन्योर बिजनेस को। तो उस टाइम पे ये जो थी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये कानून था 1969। अब इस कानून से फ्रीडम मिल गया क्योंकि अब लाइसेंस सिस्टम हट गया था ना, समझो ना, है ना, तो वही है। लेकिन पूरी तरह नेटा जरा एक बार पढ़ते हैं इसको। एलियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज लिंक विथ लाइसेंसिंग, ऑब्वियसली बात है, पहले क्या होता था, प्रोडक्शन कैपेसिटी किससे लिंक होता था, लाइसेंस से, कि भाई आपके पास लाइसेंस इतना है उसी हिसाब से प्रोडक्शन करोगे। नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंस, लाइसेंस अब क्या मिल गया, फ्रीडम मिल गई, इंप्लाइड फ्रीडम फ्रॉम प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब लाइसेंस से फ्रीडम मिल गया तो इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रीडम मिल गया आपको, अब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। MRTP जो मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस था, कंपनीज हैव एसेट्स बियॉन्ड 100 करोड़ आर नाउ अलाउड टू एक्सपेंड देयर साइट विदाउट पेरियस सेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब MRTP के अकॉर्डिंग अब बदल, जो उनको सबको आजादी मिल गई थी, लेकिन अब ये भी बोला गया कि जिन कंपनियों का जो एसेट्स है वो अगर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है तो वो अपनी प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट के अप्रूवल के। ठीक है, नाउ प्रोड्यूसर कैन एक्सपेंड देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। अब क्या था, अब जो प्रोड्यूसर थे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते थे अपने अकॉर्डिंग, मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे। बस सिंपल सा था, मतलब है ये सोच लो कि MRTP हटा दिया गया, MRTP एक वो सिस्टम था जो लाइसेंस प्रोवाइड करता था, लाइसेंस सिस्टम से प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड होती थी, लेकिन अब वो लाइसेंस सिस्टम हटा दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, मतलब आज़ादी मिल गई, सिंपल है, बस MRTP एक्ट था 1969 में उसे हटा दिया गया, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट भाई, इतनी बात तो हो जाती, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। न्यू कंपनीज एक्ट 2013 लॉन्च किया। अगर आप कॉमर्स से हैं, अकाउंट से हैं, भाई सभी इकोनॉमिक्स कॉमर्स से होते हैं, नहीं, इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटी वाले ही पढ़ते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। तो न्यू कंपनीज एक्ट 2013 वाज पास्ड इन अगस्त 2013 में। अभी देखो नई कंपनी एक्ट लॉन्च की, अगर आप अकाउंट पढ़ते हैं तो आपने ना बैलेंस शीट देखी होगी नई कंपनी, न्यू कंपनी एक्ट की, जिसमें ऊपर लायबिलिटी और नीचे एसेट्स होती है, है ना, तो ये उसी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो बैलेंस शीट है। अब देखो न्यू कंपनी एक्ट 2013 वाज पास्ड इन अगस्त 2013 में। अब ये जो एक्ट, जो नई कंपनी एक्ट आई 2013 में, इस ये पुरानी एक्ट को बदल के नई एक्ट आई है। वो पुरानी एक्ट का नाम क्या था, जो ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में लॉन्च की गई थी, 1956 में लॉन्च करी हुई एक्ट को 2013 में बदल दिया गया। तो हमारे चैप्टर का नाम भी तो यही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 से बदलाव। कभी बदलाव हो रहे हैं, अभी भी पुराने पॉलिसीज को बदला जा रहा है। तो पुरानी कंपनी एक्ट 1956 को बदल के नई कंपनी एक्ट 2013 भी लॉन्च की गई अगस्त 2013 में। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ये भी अलाउ कर दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर को कि आप फ्रीडम हो, आप फ्री हो, कि आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो क्या, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको आप परचेस करते हो किसी और गुड्स की या सर्विस की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जैसे ये लैपटॉप मिले कैपिटल गुड्स है क्योंकि इससे सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हो, आप इसमें कोई भी फ्रीडम, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लगा रखी हमने, अब फ्री हो करिए जितना इम्पोर्ट करना है, पर हाँ टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बिना टैक्स तो होगा नहीं। ठीक है, इम्पोर्ट पर ड्यूटी देनी पड़ेगी। सो ये सारी बातें किसमें हो जाती हैं, किसमें हो जाती हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर। एक और भी है, मेक इन इंडिया,
अभी हाल ही में लॉन्च हुआ ये 25 सितंबर 2014 को मोदी जी इसको लॉन्च करते हैं मेक इन इंडिया, जिसमें इसका पूरा मोटिव क्या होता है कि भैया हमारे ही इंडिया में ही प्रोडक्शन हो, हमारे इंडिया में ही प्रोडक्शन हो, जो प्रोडक्शन बाहर से हम इंपोर्ट करते थे उसी के यहाँ प्रोडक्शन हो, जितना हो सके तो उतना। अब इसका मतलब इसके अंदर आता क्या है कि हाँ प्रोडक्शन करने का नया प्रोसेस होगा, नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होंगे इंडिया में, कुछ नए सेक्टर प्रोड्यूस होंगे, जैसे देखो फोन इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं थी, अब यहाँ पर प्रोड्यूस प्रोडक्शन होने लगी है ना, न्यू माइंडसेट होगा बिजनेस करने का, हर चीज। तो मेक इन इंडिया भी एक क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म ही तो है कि हाँ इंडस्ट्रीज को लेकर सब बदलाव करा गया है ना। चलिए, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के बाद अब एक बार आती है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है कि यहीं तक कराना चाहिए फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म तक, उसके बाद जो बचे टॉपिक वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे हम आपको। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म मतलब पैसों का लेन देन जो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो इंस्टीट्यूशन करता है, उसको लेकर गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसीज लेके आई, कौन कौन से पॉलिसीज को बदल दिया। तो आज देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या आता है। फाइनेंस सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक अ कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, मतलब शेयर वगैरह जो परचेस होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब हमारे यहाँ का जो फाइनेंस सेक्टर है कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका नाम है। तो आइए देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर कौन कौन से बदलाव किए गए। तो पहला बदलाव क्या है, पहला बदलाव है आरबीआई ने अपना रोल जो है वो चेंज कर दिया, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जहां पहले सभी सरकारी बैंक, क्योंकि 1991 से पहले सरकारी बैंक होते थे ना, सभी सरकारी बैंकों को एक तरह से कंट्रोल करके चलता था, उसके बाद आरबीआई ने सोचा नहीं नहीं यार, हमें अपना रोल चेंज करना पड़ेगा, हमें सख्ती नहीं निभानी पड़ेगी, हमें कुछ फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी कुछ अपने बैंकों को, मतलब कमर्शियल बैंकों को। तो आरबीआई ने रोल चेंज किया, आरबीआई जहां एक रेगुलेटर की तरह काम करता था उसने अपना रोल हटाकर एक फैसिलिटेटर की तरह काम किया, फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, जिसका रिजल्ट ये निकला कि फाइनेंशियल सेक्टर को अलाउ कर दिया गया कि आप भी अपने डिसीजन ले सकते हो, टू टेक डिसीजन ऑन मैनी मैटर, बहुत से अलग अलग मैटर पर आप अपने डिसीजन ले सकते हो बिना कंसल्टिंग आरबीआई के, आरबीआई के बिना कंसल्टिंग के आप कुछ अपने मैटर पर डिसीजन ले सकते हो। अब आपके ऊपर इतना, मतलब अभी भी कंट्रोल है लेकिन इतना नहीं है, है ना। तो आरबीआई का रोल जहाँ रेगुलेटर की तरह काम करती थी, अब वो आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही है, मतलब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना। तो ये है आरबीआई ने अपना रोल चेंज करा, और ये सब गवर्नमेंट के अंडर नहीं हो रहा था, है ना। फाइनेंशियल उस टाइम पे फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में कौन थे बताओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर में सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ वो इसे कहते थे फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। चलिए, तो फाइनेंस सेक्टर में पहला रिफॉर्म क्या हुआ कि आरबीआई ने अपना रोल चेंज कर दिया, रेगुलेटर की तरह से एक फैसिलिटेटर की तरह बन गई थी। अब फाइनेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव ये आया, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, मतलब अब प्राइवेट बैंक भी खुलेंगे। 1991 के बाद ये अनाउंस कर दिया गया कि प्राइवेट बैंक भी अब खुलेंगे, जिसमें 1994 में एक पहला प्राइवेट बैंक आया, इंडसलैंड बैंक, अब तो नहीं है शायद, है इतना ध्यान नहीं। तो इंडसलैंड बैंक एक प्राइवेट बैंक था, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक भी अब खुल सकते हैं, जैसे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये सब क्या है, ये सब एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, बोला है सब कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेट बैंक को एस्टैब्लिशमेंट करने का कह दिया गया, इंडिया इंडियन बैंक भी और फॉरेन बैंक भी, मतलब इंडियन प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं, फॉरेन के बाहर के प्राइवेट बैंक भी यहाँ पे आके खुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंडियन बैंक लाइक ICICI बैंक और फॉरेन बैंक लाइक HSBC बैंक, इंक्रीज द, क्यों करा गया सर, ताकि कंपटीशन बढ़ेगा प्राइवेट और सरकारी बैंकों के बीच में, तो कंज्यूमर को फायदा पहुंचेगा। कैसे, जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा लोन का इंटरेस्ट कम होगा, और लोन का इंटरेस्ट कम होने से कंज्यूमर को फायदा पहुंचेगा, है ना। तो कंपटीशन एंड बेनिफिट द कंज्यूमर थ्रू लो इंटरेस्ट रेट एंड बेटर सर्विस। भाई हर बैंक चाहता है कि उनके पास ज्यादा कस्टमर हो, तभी होगा जब सर्विस अच्छी देंगे, है ना। तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, सर्विस अच्छी देने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं यार, प्राइवेट बैंक भी को भी हमें लॉन्च करना ही पड़ेगा, प्राइवेट बैंक भी अब खुल सकते हैं, परमिशन दे दो परमिशन प्राइवेट बैंक को। चलिए फिर आते हैं थर्ड पॉइंट,
इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ना के बराबर इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमने उनको वो चीज अलाउ ही नहीं करी थी कि हमारा इन्वेस्ट करो, है ना। लेकिन बाद में उस उन इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसे बढ़ाकर 51% कर दिया गया, मतलब अब सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में भी अगर वो शेयर बेच रहे हैं तो 51% तक, मतलब आधा शेयर, आगे से थोड़ा ज्यादा, आधे शेयर भी आप परचेज कर सकते हो, इन्वेस्टर को अलाउ कर दिया गया, लिमिट उनकी बढ़ा दी गई, ठीक है। अगर शेयर बेच रहे कंपनी है तो खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स सच अ मर्चेंट बैंकर म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको अलाउ कर देंगे कि आप क्या कर सकते हो, हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो 51% तक। चलो भैया, फिर लास्ट आता है कि गवर्नमेंट ने ये भी अलाउ कर दिया सभी प्राइवेट और पब्लिक बैंकों को कि आप अपने अब ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। पहले था ना कि हाँ नई ब्रांच ओपन करें तब भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो बैंक वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस, बैंकों को फ्रीडम दे दी गई कि आप अपने न्यू ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हो आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कुछ कंडीशन के बाद। RBI के अप्रूवल के बिना नई ब्रांचेस खोल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है उसे आप फुलफिल कर लीजिए, उसके बाद अपनी ब्रांच खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लास्ट था एज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, मतलब कि अब सभी बैंकों को अलाउ कर देंगे कि आप अपने ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हो। देखो ये लास्ट है, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। अब भैया हमने दो चीज तो पढ़ ली है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, अब किसकी बारी है, टैक्स रिफॉर्म, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।